बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। फिश को मसाला लगा के महफूज करने का तरीका आपको बताते हैं। फिश को मसाला लगाने के लिए खाना खाने वाले 2 चम्मच बेसन, अदरक का पाउडर ले लेंगे 1/2 चम्मच खाना खाने वाला, खाना खाने वाले 3 चम्मच मसाला डालेंगे। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। खाना खाने वाला 1 चम्मच लीमू का रस। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले से कर दिया है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। इसको पहले ही नमक लगा होता तो आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लगाना, ज्यादा ना लगा लीजिएगा, नहीं तो आपकी फिश नमकीन ही नमकीन हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, हाथ की मदद से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जो हमने फिश साफ करके रखी है वो इस तरीके से लेंगे और इसको मसाला लगाते जाएंगे। एक एक पीस को अगर आप लगा के साइड पे रखते जाएंगे तो मसाला बड़े अच्छे तरीके से लगेगा। मसाले को आपने एक साइड पे कर देना और जिन जिन पीसेस को लगता जाएगा आपने इनको इस तरीके से एक साइड पे रखते जाना। इस तरीके से एक एक पीसेस को लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से महफूज करेंगे। दोनों तरफ आपने अच्छे तरीके से लगाना। जब मैं बाजार से फिश लाई तो इसकी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी और ये बहुत ही ज्यादा गंदी भी थी, तो जब मैंने इसको धोया तो ये बिल्कुल गोरी गोरी हो चुकी थी। अगर आप भी हमारे बताए हुए तरीके से फिश तैयार करेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। जो नहीं भी फिश खाता वो भी खाएगा। इसी तरीके से तमाम पीसेस को लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से महफूज करेंगे। तमाम फिश को हमने अच्छे तरीके से, ये देखिए, मसाला लगा दिया। ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये 2 किलो फिश का था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से महफूज करना है। ये देखिए, इस तरह के आपने साफ छापर ले लेने। अगर आपके पास जिप वाला बैग है तो आप वो ले लें। आपने फिश फ्राई करनी है उतनी आपने इसमें डाल के रख लेनी है। आप चाहे तो इसमें 1-2 पीस डाल के रख लें, चाहे तो 3-4 डाल के रख दें, कोई मसला नहीं। इस तरीके से गिरा लगानी है ताकि इसके अंदर बर्फ ना जमे। तो जब आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने आधा घंटा पहले इसको निकाल के एक छन्ने में डाल देना ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसी तरीके से सारी फिश को पैक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अगर आप फिश को पैक करके रखना नहीं चाहते, उसी टाइम फ्राई करना चाहते हैं तो इसको पूरी रात के लिए मसाला लगा के रख दें और सुबह को फ्राई करें तो ये बहुत ही मजेदार तैयार होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।